अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं गवार की फली और गोश्त की रेसिपी, जो कि एक रिक्वेस्टेड रेसिपी भी है और बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो सभी जानते हैं कि ये जो बीन्स होती है गवार की फली, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है और कीमे में और गोश्त में बने तो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस हो जाती है। तो इस तरह से अगर हम बनाएं तो जो नहीं खाने वाले होते हैं वो भी खा लेते हैं। तो आइए इस बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो, हमारी रेसिपी पसंद आती है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली रेसिपी की अपडेट आपको मिलती रहे। तो यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स में हमने 1/2 kg गोश्त लिया है। अपने पसंद का आप हड्डी वाला कोई भी ले लें, हमारे यहाँ थोड़ा सा सादा पीस पसंद किया जाता है तो हमने सादी पीस ली है, लेकिन आप अपने टेस्ट और जायके के हिसाब से कोई सा भी पीस ले सकते हैं। इसके हिसाब से हमने 400 ग्राम यहाँ पे गवार की फली ली है और आधा किलो में आधा किलो भी गवार की फली डाल सकते हैं, लेकिन हमने 300 से 400 ग्राम फली ली है। ये तो सब्ज़ी है, गल के कम हो जाती है। और इसके अलावा हमने यहाँ पे 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी लिए और 1 टीस्पून गरम मसाला लिया। ये हम लास्ट में डालेंगे इसलिए हमने अलग निकाल कर रखा है। और 2 से 3 चम्मच हमें अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए। 2 मीडियम साइज़ की प्याज है जिसकी स्लाइस कट करना है और यहाँ पर हमने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, इसे भी हमने रफली सा कट किया है। और यहाँ पे कुछ पाउडर मसाले हैं और खड़े मसाले हैं, जिसमें 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, 1 टी स्पून लाल मिर्च पाउडर है और 1/2 टी स्पून या 1/4 टी स्पून तकरीबन हमने हल्दी यहाँ लेनी है और 1 टी स्पून नमक है, 10 दाना काली मिर्चों के हैं, 1 इलायची है काली जिसका हमने इस तरह से मुँह खोल लिया है, 5-6 लौंग है, 2 हरी इलायची है, 2 छोटे सिनेमन स्टिक का टुकड़ा है। तो बस इतने ही सामान है और आइए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन 100 ml ऑयल को हमने अच्छे से हीट कर लिया है और मस्टर्ड ऑयल है और हमने इसे इसमें हमने प्याज डाल देना है। प्याज के साथ हम ये अपनी बे लीफ भी डाल देंगे, ये हमने आपको दिखाया नहीं था, 2-3 बे लीफ हमने लिया है। और प्याज को बहुत ही लाइट सा हमें इसे सौते करना है, तो बहुत हल्की सी पकाना है, फ्राई करना है। प्याज हमारी थोड़ा सा बस 1 मिनट फ्राई किया है और हल्की सी ट्रांसपेरेंसी हो गई है। तो बस ये सब्ज़ी की गोश्त की प्याज होती है, बहुत हल्की सी करना होता है, कोरमे जैसी डार्क नहीं करना होता है। और अब हम इसमें ये गोश्त डाल देंगे और गोश्त डाल के इसे हम करीब इतना भूलेंगे कि हमारे गोश्त का कलर चेंज हो जाए। तो यहाँ पर देखिए 1 मिनट हमने हाई फ्लेम पे इसे स्टिर कर लिया है। अब इसके साथ हम ये मसाले डालेंगे और मसाले के साथ भी 5-10 सेकेंड इसे हम स्टिर कर लेंगे ताकि मसाले हमारे गोश्त के साथ थोड़े से इस तरह से करेंगे। और इसके बाद हम अदरक लहसुन का पेस्ट और टमाटर डालेंगे। टमाटर डाल दिया और यहाँ पे जस्ट हमने अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देना है। अब इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे और आपने गोश्त के हिसाब से डाल दें, अगर जैसा गलने वाला गोश्त है आपका उस हिसाब से डालें। हम यहाँ थोड़ा पानी डालते हैं करीब 50 से 60 ml ताकि ये हमारी करीब 10 मिनट सीटी आ जाए, बाकी 5 मिनट हम अपनी फलियों के साथ भी सीटी लगाएंगे। तो आपका जो भी गोश्त है उसी हिसाब से इसमें 5 मिनट पहले आप अपनी सीटी को, मान लीजिए आपके गोश्त 15 मिनट में गलने वाला है तो आप 5 मिनट पहले 10 मिनट पर ही अपने गोश्त को बंद कर देना है सीटी को। तो यहाँ पर ऐसे इसे कवर कर देते हैं और 1 सीटी हाई फ्लेम पे आने के बाद हम इसे 10 से 15 मिनट, बस 5 मिनट हम पहले ही इसको रोक लेंगे क्योंकि हम 5 मिनट सीटी इस फली के साथ भी लगाएंगे। तो हमने 1 सीटी आने के बाद हीट को लो कर देना है, लो टू मीडियम कर देना है। उसके बाद 10 से 15 मिनट करीब, हमारा 20 मिनट में गोश्त गलने वाला है तो 10 से 15 मिनट के बीच हम अपने हीट को बंद कर देंगे और उसके बाद खोल के इसे भूनेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसकी सीटी हमने करीब 10 से 12 मिनट बाद हमने इसको बंद कर दिया था और सीटी को खुद से निकाला है, उठाकर वेट नहीं किया इसका खुद से रिलीज होने का। अब इसे हम भून लेते हैं। देखिए इससे कम भी पानी में हमारा गोश्त पक जाता, इसमें काफ़ी पानी अभी भी है, नहीं भी पानी डाला टमाटर के पानी में भी पक जाता है, लेकिन मैंने एक एतबार से कि हाँ कहीं जल ना जाए थोड़ा पानी डाल दिया था। अब इसे हाई फ्लेम पर हम पहले अच्छे से भून लेंगे गोश्त को। तो यहाँ पर देखिए हाई फ्लेम पर हमने बिल्कुल ऑयल को अलग होने तक इसे हमने अच्छे से भून लिया है। अब इसमें हम अपनी सब्जी डाल देंगे, अपनी गवार की फली को, और 5 से 6 मिनट इसमें ज़रूर भूनना है। इसे से भूना जाता है क्योंकि इसमें एक ग्रीनिश स्मेल होती है जो कि अच्छे से भूनने पर ही जाती है और सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी उसके बाद बनती है। तो इसे हमें इस के गोश्त के ऑयल के साथ हमें 5 से 6 मिनट मीडियम हीट पर भून अच्छे से भून लेना है। तो देखें यहाँ पर बिल्कुल ऑयल को अलग होने तक हम 5 से 6 मिनट हमने इसे मीडियम हीट पर अच्छे से भून लिया है और इसमें अब अच्छी सी खुशबू आ रही है, इसकी जो एक हरी हरी सी महक होती है वो ख़त्म हो गई है। अब इसमें हमने 4 हरी मिर्च से साबित डाल देना है। थोड़ा सा पानी लगाएंगे क्योंकि हम 5 मिनट अभी सीटी लगाएंगे सब्जियों को गलाने के लिए, 5 मिनट या फिर 2 सीटी इतना ही लगाना है। पानी बहुत हल्का सा लगाना है, ज़्यादा ये गीला नहीं होता है। तो इस हिसाब से हमने थोड़ा सा पानी डाला है मुश्किल से,
30 से 40 एम एल कवर कर देंगे। एक सीटी हाई फ्लेम पर फिर मीडियम कर देना है। मीडियम करके 4 से 5 मिनट, बहुत ज़्यादा नहीं, सब्ज़ी फट से गल जाएगी और सब्ज़ी को गलने में टाइम नहीं लगता है, या फिर 2 सीटी हाई फ्लेम पर, बस इतना ही काफ़ी होगा। यहाँ पे देखिए इसकी सीटी जो तो 4 से 5 मिनट बाद अच्छे से स्टीम खुद ही रिलीज़ हो गई है, इससे अच्छे से रोगन आता है और सब्ज़ी भी हमारी, गोश्त तो हमारा पहले ही गल गया था, थोड़ा सा कसर, सब्ज़ी भी हमारी एकदम सॉफ्ट नरम हो गई है। अब बस इसमें हम डाल देंगे गरम मसाला और कसूरी मेथी और मिक्स कर देंगे थोड़ा सा हल्के हाथों से, बस अब इसे डिश आउट करते हैं। तो देख सकते हैं कि कितनी आसानी से हमारी रेसिपी बन के तैयार है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी। तो ज़रूर बनाएं इसे आप और फीडबैक दें। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। वन टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।